हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट नाउ। एग्जाम्पल मेरे पास हो गए 23rd। व्हाट इज रिटन इन एग्जाम्पल 23rd? लेट अस सी हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन। अब उसने क्या कहा है कि इससे ग्रेटर। अब ये नंबर कितना है, कितने जीरोस हैं? सिक्स जीरोस हैं मेरे पास वन के साथ। हाँ जी, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख, यानी हमें नंबर लिखना है ग्रेटर देन 10 लाख। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 0 2 4 2 4। इन डिजिट्स को यूज करके मैंने क्या करना है बेटा, नंबर बनाना। अब इनको आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, है ना। मैंने जो मेथड अपने दिमाग में, मेरे को जो इजी लगता है सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो ये 7 डिजिट्स है। मैंने जो नंबर बनाना है वो देखू तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 के 7 को यूज करना। बात तो पहली तो ये क्लियर हो गई, बिकॉज मुझे 7 डिजिट नंबर लिखना है और 7 ही डिजिट्स हैं, दैट मीन्स आई हैव टू यूज ईच एंड एवरी वन। ओके, अब दूसरी बात, अगर 10 लाख से बड़ा नंबर लिखना है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख से नंबर बड़ा लिखना है, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे मैं 1 भी यूज कर सकती हूँ, 2 भी यूज कर सकती हूँ, 4 भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन 0 नहीं यूज कर सकती। अगर 0 यूज करती हूँ तो बेटा वो कौन सा डिजिट हो जाएगा? 6 डिजिट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, टोटल नंबर में से 0 वाले डिजिट को अगर मैं यहां फिक्स कर दूं, वो क्या कर दूं, माइनस कर दूं। एक मेथड ये। सेकंड मेथड, मैं केसेस बना लूं, पहले 1 फिक्स करूं, सारे डिजिट्स को यूज करूं, अगली बार 2 फिक्स करूं, सारे डिजिट्स की प्लेसमेंट करूं, नेक्स्ट टाइम 4 यूज करूं, सारे डिजिट्स की प्लेसमेंट करूं, और सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं केसेस को। इट इज टोटली अप टू यू। ओके, आई विल प्रेफर कि टोटल में से हम क्या करें, 0 वाला माइनस कर दें। अब टोटल 7 डिजिट्स हैं, 7 के 7 को यूज करना है, प्लेसमेंट करनी है ना, अरेंज करना है ना, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग परमोटेशन ये। बट देयर आर सम डिजिट्स दैट आर रिपीटेड, तो उतने फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, और क्या हो गया मेरे पास जो है 2 फैक्टोरियल, 4 2 बार और 2 3 बार। दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, अब या वेज लिख सकते हो। अब जब मैंने 0 फिक्स कर दिया यहां पर, ये चला गया बेटा, अब कितने नंबर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 P6 या 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फिर वही 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे, टोटल में से मैं क्या करूंगी माइनस, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बात समझ आई सबको? एनी डाउट किसी को भी? चले बेटा आगे चले। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर कुछ नहीं लिखा था रेपिटेशन इज अलाउड और नॉट, क्योंकि उसने कहा कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10,000 10 लाख, तो मुझे पता है 7 के 7 यूज करने। बट अगर वो कहता ना कि रेपिटेशन इज अलाउड, तो दैट मीन्स मैं हर प्लेस पे 1 भी 2 भी कुछ भी लिख सकती थी। ओके, तो उसमें से अगर मैंने 1 यहां फिक्स कर दिया
जीरो 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 वाला, तो वो भी क्या करना था, माइनस करना था, क्योंकि हमने नंबर इससे क्या करना है, बड़ा लिखना, बाकी सब बड़े होंगे, लेकिन अगर वन यहां पर, क्योंकि जीरो वाले तो लेने ही नहीं, अगला नंबर तो वन ही आता है ना, तो वन के साथ जीरो 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 करेंगे तो वो तो इसके ही सेम ही है, बट वी हैव टू राइट अ नंबर विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सो एक केस क्या हो जाएगा, माइनस और हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिटिल लिटिल चेंजेस होती, अगर मैं मतलब रेपिटेशन अलाउड कहती, रेपिटेशन अलाउड नहीं है फिर तो वन जीरो 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 आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता है कहीं पे, समझ आ गया बेटा। तो जितने भी बुक के बीच में ना बेटा, ये जो ब्लू नोट्स होते हैं ना, इनको जरूर रीड किया करो, यहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, थिंक द क्वेश्चन फ्रॉम अदर साइड कि अगर रेपिटेशन अलाउड है तो वो कैसे होता है। ओके, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने मुझे दिया एग्जाम्पल 24, व्हाट इज रिटन इन एग्जाम्पल 24, लेट अस सी एग्जाम्पल 24 ऑन पेज बेटा 156। हाँ जी बेटा, हियर इट इज मेंशन मेरे पास, इन हाउ मेनी वेज फाइव गर्ल्स एंड थ्री बॉयज, फाइव गर्ल्स एंड थ्री बॉयज बी सिटेड इन अ रो सो दैट नो टू बॉयज आर टूगेदर, नो टू बॉयज आर टूगेदर। हमें बॉयज को इकट्ठे नहीं बिठाना, तो जिनको इकट्ठे नहीं बिठाना ना, उनके लिए हम सीट्स अरेंज करेंगे। कैसे, पहले हम गर्ल्स को बिठा देते हैं एक एक छोड़ के। ओके, फाइव गर्ल्स थी, मैंने गर्ल्स को बिठाया G1, G2, G3, G4, G5। अब बॉयज को मैं कहां कहां बिठा सकती हूं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस। लेकिन बॉयज बैठने कितने, उन्होंने मुझे कहा है कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, अगर टू नहीं बैठ सकते थ्री तो बैठ ही नहीं सकते ना, वो तो बात ही खत्म होगी, यानी सिर्फ हम नहीं चुके, बिठाना तो तीन को है ना, अरेंजमेंट किसका करना है, थ्री का करना है। तो मेरे पास जो है बेटा, सबसे पहले हम क्या करें, बॉयज को बिठा दें। हाँ जी, कितनी प्लेसेस थी, सिक्स, थ्री इंटू गर्ल्स को मैंने फाइव को बिठाया, पर मैं पोजीशन जहां मर्जी लिख सकती हूँ ना, ये थोड़ा कि G1 गर्ल को इधर ही रखूंगी, जी उनका भी तो आप में रीशफलिंग हो सकती है कि नहीं। फाइव गर्ल्स हैं, फाइव की फाइव को अरेंज करना है, तो क्या होगा वो, फाइव फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे, सिक्स फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, दिस इज माई आंसर। सॉल्विंग तो आई थिंक यू आर एबल टू डू। क्यों, मैंने बॉयज की ये सीट्स रखी नहीं, ऑप्शंस कितनी है ना मेरे पास। अब आप देखो, मैंने कहा कि मैंने बॉयज को, आप अपना इमेजिन करके सोचो, ठीक है, यहां पर मेरे पास जो है ना ये बॉयज है, ठीक है, इधर ये चार बॉयज है, आई वॉन्ट कि ये इकट्ठे ना आए, तो मैंने क्या करना है, मैंने एक एक बेंच छोड़ के पहले गर्ल्स को बिठा दे, मैंने बिठाई फर्स्ट पे गर्ल बिठाई, सेकंड बेंच पे गर्ल बिठाई, सेकंड पे नहीं बिठाई, थर्ड पे बिठाई, फिर फोर्थ छोड़ा, फिफ्थ पे बिठाई। अब मैंने बॉयज को कहां बिठाना है, जो सीट खाली है वहीं पे बिठाना है ना, मेरे पास सीट ही एक है बीच में, एक से ज्यादा है ही नहीं। अगर तुम मान लो एक बॉय यहां बिठा देते हो, एक बॉय यहां बिठा देते हो, एक बॉय यहां बिठा देते हो, ये यहां भी बिठा देते हो, गर्ल्स इकट्ठी हो गई, बॉयज तो नहीं इकट्ठे हुए। इसीलिए मैं कह रही हूं, जिनको इकट्ठे बिठा सकते हो पहले उनकी पोजीशन सेट कर लो, मतलब जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैंने एक एक छोड़ के उनको बिठा दिया, कि अगर दो गर्ल्स के बीच में कोई बॉय नहीं भी आ रहा
डजंट मैटर, क्योंकि कंडीशन किस पे है, बॉयज पे। अब बात क्लियर हुई, चलो बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चले एक्सरसाइज करें। चलो अब मैं नहीं बताऊंगी, स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो दे हैव टू शो मी देयर कॉपीज ऑन स्क्रीन। जल्दी जल्दी बेटा, हरी अप, यू हैव टू शो मी योर कॉपी ऑन स्क्रीन, जस्ट ऑन योर वीडियो एंड शो इट टू मी। चलो बेटा फटाफट, मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने कोई भी नहीं बताना, आप जैसे करोगे मैं आपके लेवल पे सोचूंगी एंड देन वी विल डू, फिर मैं आपको मिस्टेक बताऊं। ओके, गलत होता है कोई बात नहीं, डजंट मैटर। वेरी गुड काव्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा टर्न बाय टर्न इधर से शुरू हो जाओ। चलो दिव्यांशी हरी अप, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट। ओके, क्या करें दिव्यांशी? ओके जी, मेरे पास होंगे ए यू ई, ये वॉवल्स हैं, फिर डी जी एच टी आर। अब बेटा उसने कहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें हमने टू वॉवल्स और थ्री कॉन्सोनेंट लेने हैं फ्रॉम दिस। चलो दिव्यांशी बताइए, बोलो बोलो, थ्री सी टू इंटू फाइव सी थ्री, हो गया सारा, हो गया क्वेश्चन, करो बताओ फाइव वेज में, फाइव वेज में, फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि फाइव पी फाइव। देखो बिल्कुल सही बताया, ये थ्री वॉवल्स थे, आउट ऑफ दैट थ्री वॉवल्स आई हैव टू सिलेक्ट टू एट ए टाइम। मैंने कोई अरेंज नहीं करना, मेरा पहला काम क्या है, सिलेक्शन। मेरे पास चार बॉयज हैं, मैंने सिलेक्ट टू करने हैं, बिठाने की बात तो बाद में, पहले तो सिलेक्शन करनी है ना बेटा। व्हेन आई हैव टू डू द सिलेक्शन, तो मेरे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आई फर्स्टली सिलेक्ट आउट ऑफ थ्री वॉवल्स, आई एम सिलेक्टिंग टू एट ए टाइम इन टू। Now, I am having five consonants, but I have to select three. So, 5C3 selection ho gayi. Ab kitni cheeze mere paas aa gayi? Five things are with me. Five alphabets are with me. Five ke five ko kya karna hai? Arrange karna hai. Five hai, five ke five ko arrange karna hai. Five factorial. Not five ways. Okay, Divyanshi? क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ आ गई? ये रफ कॉपी घर की है, अभी कर रहे हो, अभी कर रहे हो, बाकी क्वेश्चन भी किए हुए आपने, सॉरी बेटा ये एक पेजेस नहीं लेके आने। व्हेन यू आर डूइंग, घर से करके आए हो, अगेन डू इट, यही तो बात समझा रही हूं। इफ यू हैव डन फ्रॉम द होम एंड यू आर कीपिंग योर पेजेस इन फ्रंट ऑफ यू, That means something is there. Means आपको या तो भूल, आपको डर है कि मैं भूल जाऊंगी, क्यों? बुक कहाँ है आपकी? रखो अपने सामने और डू इट, इकट्ठे रखो, शेयरिंग करो, ठीक है जी? घर वाली कॉपी नहीं खोलनी मेरे सामने, यूज योर ब्रेन अगेन। इफ यू हैव डन द वर्क एट होम, कोई बात नहीं, दोबारा फिर माइंड लगाओ, ठीक है? चलो मन्नत, डू द नेक्स्ट बेटा। हाँ जी बिल्कुल बेटा, अभी सिर्फ क्वेश्चन, फाइव वॉवल्स हैं, पहले वॉवल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ई यू ए आई ओ, ओके जी, क्यू टी एन,
फाइव वॉवल्स हैं, थ्री कॉन्सोनेंट्स हैं, फाइव फैक्टोरियल इंटू इंटू कैसे किया? बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखिए, फाइव के फाइव को, क्योंकि उसने मुझे कहा कि हमने सबको अरेंज करना है, फाइव वॉवल्स है, वॉवल्स के वॉवल्स फाइव के फाइव सिलेक्ट कर लिए। फाइव पी फाइव, उसको पता फाइव फैक्टोरियल होता है। थ्री कॉन्सोनेंट से इनका एक ग्रुप बना हुआ था, मैंने थ्री फैक्टोरियल। अब मैं वॉवल्स पहले लगा दूं या कॉन्सोनेंट पहले लगा दूं, है ना? यानी टू में से टू ही सिलेक्ट करने है ना। एक वॉवल का ग्रुप है, एक कॉन्सोनेंट का ग्रुप है, तो दैट मींस टू फैक्टोरियल फॉर दैट। दिस इज फॉर पोजीशन, दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट, दिस इज फॉर वॉवल्स। बात क्लियर होगी? कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो चलो, उसने यही क्वेश्चन कहा है ना, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अकर टुगेदर मतलब सारे वॉवल्स इकट्ठे, सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे, ये मतलब है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपने क्वेश्चन का मीनिंग गलत ले लिया ना, मैं यही तो समझा रही हूं। ऑल वॉवल्स दे क्लियर जस्ट मेंशन सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टूगेदर। क्लियर कट इसका मीनिंग है कि वॉवल्स इकट्ठे हैं, कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे। पहली बार में जो स्टेटमेंट आप गलत पढ़ रहे हो, दैट मीन्स इस क्वेश्चन को आप अपने लिए मार्क कर लो और अकर टूगेदर को करके ऐसे फिगर बना लो, वॉवल्स ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑल। जब तुम नेक्स्ट टाइम करोगे ना, तुम्हें इसका मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। यही मैं बार बार समझा रही हूँ कि जिस क्वेश्चन को तुम इंटरप्रेट रॉन्ग करते हो, उसका अपने क्वेश्चन के साथ एक बार हिंट लिखो, और ताकि तुम्हें पता चले। ठीक है जी? यस हिमांशु, मैं देख रही हूं बेटा। काव्या, यस। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। श्रेया बेटा, मैं क्वेश्चन रीड करती हूं ताकि सब बच्चे सुने ध्यान से। अ कमेटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म्ड, सेवन पर्सन की कमेटी बनानी है, आउट ऑफ नाइन बॉयज एंड फोर गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली, जो गए मेरे पास थ्री गर्ल्स। चलो मेरा बेटा बताओ। श्रेया, फोर सी थ्री इंटू नाइन सी फोर, वेरी गुड। और कुछ? शिया, परमोटेशन क्यों नहीं लगाया? कॉम्बिनेशन क्यों लगाया? लेट हर टू स्पीक। यही तो माइंड शार्प करना है ना। अगर टीचर ने कुछ पूछा तो फटाफट आंसर होना चाहिए। व्हाई नॉट यू यूज पी हियर? बिल्कुल, कमेटी बनानी है, इसमें अरेंजमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए बी और बी ए बोथ आर सेम मेरे लिए, क्योंकि चाहे मैं पहले ए सेलेक्ट कर लूं फिर बी कर लूं, या पहले बी सेलेक्ट कर लूं फिर ए कर लूं, ऑर्डर डजंट मैटर, अरेंजमेंट डजंट मैटर, तो आई हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड बेटा, सेकेंड पार्ट। चलो, नाइन सी, क्योंकि नाइन बॉयज थे, मुझे थ्री गर्ल्स चाहिए थी, यानी सेवन में से थ्री चले गए, फोर रह गए, तो मुझे फोर के फोर बॉयज सेलेक्ट करने आउट ऑफ नाइन, तो नाइन सी फोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट बेटा, आपकी टर्न। एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, बैठ के बता दो बेटा। हाँ जी, बाकी सब भी सोचो तब तक, जब तक वो बता रहा है। जस्ट थिंक ओवर इट, डोंट सी व्हाट मैम विल टेल। एटलीस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब क्या है?
एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मैं कह रही हाँ कम से कम, मतलब उससे ज्यादा भी ले सकते हो, यानी अपने आप केसेस बनेंगे। कैसे? अगर मैं गर्ल्स बॉयज, मुझे टोटल 7 लेने, अगर 3 गर्ल्स ली तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 4। 4 गर्ल्स ली बॉयज 3। 5 गर्ल्स ले सकती हूँ, क्यों नहीं ले सकती, है ही 4 गर्ल्स मेरे पास। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया कि ये केसेस बनने। अब वेज कैसे सिलेक्ट करनी है, मैंने नंबर ऑफ वेज, बेटा नंबर ऑफ वेज मेरे पास जो है यहां पर देखिए, गर्ल्स कितनी, अगर आपको कंफ्यूजन लगती होती है ना, ऊपर ऐसे लिख लिया कर, मतलब 4 में से 3 सिलेक्ट करनी, 4C3, 7 में ही 9 में से 4 सिलेक्ट करने, अगले में वेरी गुड 4C4 × 9C3। ये दोनों केसेस को क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि और केस है ना, आइदर आई विल गो फॉर दिस केस और दिस केस, या अपने आप निकलता है मेरे मुंह से, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे दोनों नंबर ऑफ केसेस को क्या करना है, ऐड करना। समझ आया बेटा? दिस वन, उसने मुझे कहा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ही चाहिए, मुझे बेटा 7 बच्चे सिलेक्ट करने, अगर 3 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 4, यानी ये वाला पहला केस इधर आ जाए, 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज ही होंगे ना, क्योंकि मुझे 7 स्टूडेंट आई हैव टू सिलेक्ट, तो गर्ल्स कितनी थी मेरे पास? 4, आउट ऑफ 4 आई हैव टू सिलेक्ट 3 एट ए टाइम, साथ में ही करना है ना, तभी 7 का ग्रुप बनेगा, तो आउट ऑफ 9 बॉयज आई हैव टू सिलेक्ट 4 एट ए टाइम, दैट्स व्हाई। ओके यशिका, सबको क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पार्ट, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, चल बेटा एट मोस्ट 3 गर्ल्स क्या करें, केसेस बनाते हैं। एक सेकेंड, लेट मी मेक द केसेस, गर्ल्स बॉयज, हाँ जी 3 गर्ल्स ऊपर लिखती हूँ ताकि बच्चों को विजिबल हो, लेट अस राइट हियर 3 गर्ल्स 4 बॉयज, नेक्स्ट 2 गर्ल्स 5 बॉयज, 1 गर्ल 6 बॉय, फिर 0 गर्ल 7 बॉय। एट मोस्ट का मतलब वही है जो आप 10th में करते थे। अब मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट इसके नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे? 4 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज हैं, 4C3 9C4 प्लस 4C2 9C5 प्लस 4C1 × 9C6 प्लस मेरे पास जो है, हाँ जी 4C0 9C7, बात पता चली बेटा सबको? क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए बेटा लेट अस डू एग्जाम्पल 4। अब मैंने किसी एक क्वेश्चन में ना गलती करनी है, नाउ फिर मैं देखूंगी कि आप लोग पकड़ते हो कि नहीं, ठीक है? मैंने किसी क्वेश्चन को गलत बताना है, आपने डिटेक्ट करना है कि मैम आपने इसमें हमें ये चीज गलत बताई। अब मैंने पहले ही हिंट दे दिया कि मैंने गलती करनी है, मैं क्वेश्चन 4th में करूं, 5th में करूं, 6th में करूं, ये आपने जज करना, और मैंने अगले दिन बतानी है, देख लेना यहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आई विल जज, ठीक है? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4th, नेक्स्ट पुलकित, चल बेटा चलो इसकी समृद्धि की कर देते हैं, चलो रिद्धि रिद्धि बता दीजिए। इफ द डिफरेंट परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड
स्टार्ट विद ई. रैंक बताएंगे, करो सारे करो जरा ये क्वेश्चन. रिद्धि को फंसा दिया हमने, चलो चलो जल्दी ट्राई दिस क्वेश्चन. उसने कहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. करो जी अरेंज. रिद्धि कह रही है कि सबसे पहले अरेंज करें. ए ए ई देन आई आई आफ्टर देन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन ओ ओ एम एन. चलो जी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी आ गया. यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी सुना दी मैंने सारी. ओके जी वाई जेड तो आना ही नहीं है ना यहाँ. ठीक है ओके जी वाई जेड. ठीक है अब मैंने अरेंज कर दिया ए बी सी आती है हमें. ओके चलिए अब ऐसा क्यों कर रही हो मुझे ये समझ नहीं आया. उसने कहा कि बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद आई. ओके ई बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. कि अगर ई जो है वो स्टार्टिंग वर्ड एक तरह का तो मैं ई को फिक्स करके नहीं कर सकती. सीधा ई को फिक्स करके क्यों नहीं कर रहे आप मुझे ये समझ नहीं आया क्यों. उसने कहा कि कितने वर्ड्स हैं. उसने आपसे रैंकिंग तो पूछी नहीं. पहले तो रिद्धि का मुझे यही क्वेश्चन समझ नहीं आया कि मैम रैंकिंग करते हैं. उसने मुझे पूछा हाउ मेनी वर्ड्स कितने वर्ड्स बनते हैं है ना दे जस्ट इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग. अच्छा आपने ई फिक्स कर दिया. ठीक है चलो मैंने ई फिक्स कर दिया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. आप नाइन कह रहे हो. नहीं एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन है ना. वैसे काउंटिंग देख टेन ही आएगा ना. अच्छा जी चलो टेन पी टेन ओवर टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल. हाँ जी उसने कहा कि मैंने तो आपको आपकी मैं वर्डिंग को बोल रही हूं. मैंने तो बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. ध्यान से पूरी लाइन को बार बार पढ़ो थिंक ओवर इट. दिस इज योर होमवर्क नाउ रीड द स्टेटमेंट. मैंने स्टेटमेंट समझा दी कुछ रह ही नहीं गया. फिर आप बार बार स्टेटमेंट पढ़ो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. यहां क्वेश्चन का मीनिंग ही तो है सिर्फ बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद बेटा ई. दिस इज योर होमवर्क. एज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर तो आपका यही होमवर्क